हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर सीसी क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल करते हैं। फिर से वही बात, सब्जेक्ट ढूंढिए, होता कौन है, वर्ब क्या है, क्या ये बी वर्ब है, बी वर्ब है तो क्या आया है, हैव वर्ब है तो क्या आया है, मॉडल है तो क्या आया है, डू वर्ब है तो क्या आया है, ट्रांजिटिव है तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट होता कौन सा है, फिर पोजिशन के बाद आ क्या रहा है, कंजंक्शन किसको, वर्ड को या सब्जेक्ट प्लस वर्ब को जोड़ रहा है, यही सारा बात करेंगे, ठीक है यहाँ पे। और सबसे पहली बात, ठीक है, जब भी आप एडिटोरियल ये सब पढ़ते हैं, जितनी अंडरस्टैंडिंग पहले खुद से किया कीजिए, ठीक है। जो बिगनर हैं पहले वो देख लो अच्छे से, उसके बाद करो, ताकि हमको ये करना है कि एक बार करें, खुद से करने की से कोशिश करें, ठीक है। जैसे एक बार हम कर लिए, एक बार समझ गया, दूसरे बार समझ गया, तीसरी बार समझ गया, तो खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। ऐसा कीजिए कि हाँ एक ही से दो से वीडियो से मेरा पूरा कंप्लीट होते जाए और अंडरस्टैंडिंग अच्छा खासा बिल्डअप होते जाए, ठीक है। फ्रॉम द रैम पार्ट्स, देखो कहाँ की, आप देखो प्रीपोजिशन के बाद क्या आया, तो बोलेंगे सर यहाँ पे नाउन आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे द लगा हुआ है। एक जब भी यहाँ पे प्रीपोजिशन की बात करेंगे ना, तो उसके बाद या तो वी फोर होगा, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक है। अब आर्टिकल लगा हुआ है, अब वी फोर तो है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, तो 100% नाउन होगा, आर्टिकल है तो नाउन ही होगा। तो प्रीपोजिशन में देखिएगा, केवल टू रहे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नाउन और प्रोनाउन, प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव के, आर्टिकल है तो 100% क्या रहेगा, तो बोलेंगे सर नाउन रहेगा। इतना बात क्लियर। चलो, ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिपेंडेंस स्पीच, किस पे बोल रहा है, ऑन के बाद फिर देखेंगे क्या आया है, तो सर बोलेंगे नाउन आया सर, वी फोर नहीं, प्रोनाउन नहीं, नाउन। अब ये नाउन का पोसेशन किस पे है, तो बोलेंगे सर नाउन पे। तो मेन वर्ड कौन हो जाएगा, एड्रेस, कौन से डे का है, इंडिपेंडेंस डे एड्रेस, ये संबोधन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, संबोधन किस पे, स्वतंत्रता दिवस के दिन एड्रेस। तो देखो नरेंद्र मोदी स्पीच, नाउन का पोसेशन नाउन पे, तो ये भी नाउन होगा और ये भी नाउन होगा, इस पे हो गया पोसेशन। अब यही मेन हो जाएगा स्पीच। वाज था, अब क्या था, मोर सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी, मतलब बहुत ही ज़्यादा अपने आप को ही शाबाशी करने वाला था, देन रिफ्लेक्टिव, दिखाने से ज़्यादा अपने आप को क्या है, शाबाशी करना कि हम महान थे, ये थे, वो थे, वही चीज़ इसमें बोला गया है। चलिए इसको बड़ा कर लेते हैं। चल, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। अब देखो नाम दे देना, अगर नरेंद्र मोदी नाम ना देता तो आर्टिकल लगाता द प्राइम मिनिस्टर, लेकिन नाम दे दिया इसीलिए आर्टिकल नहीं लगेगा। एक ऑफर्ड, ऑफर देना, व्हाट ही डिस्क्राइब, जिसे ये डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, ऑफर। अब ये क्या है सर, तो रिलेटिव प्रोनाउन, याद रखना रिलेटिव प्रोनाउन कौन, हुच, डैट और क्या है, हु, ये क्या होते हैं, और एक होता है व्हाट, जो अपने पहले एंटीसीडेंट नहीं लेता, ठीक है, अपने पहले कभी भी एंटीसीडेंट व्हाट नहीं लेता। आई नो व्हाट यू वांट, आई नो अ कार हुच यू वांट हो जाएगा। जैसे देखो आई नो व्हाट यू वांट, अब इनसे पहले क्या एंटीसीडेंट लिया है, तो बोलेंगे नहीं, कोई या नाउन प्रोनाउन लिया है, नहीं। आई नो ए कार, ए बॉय, हु, अब यहाँ पे हु व्हाट ना हो के क्या हो जाएगा, हु, क्योंकि एंटीसीडेंट ले लिया। व्हाट ही डिस्क्राइब, जिसे ये डिस्क्राइब किए थे, ठीक है। एज एन अकाउंट ऑफ, एज एन अकाउंट ऑफ मतलब के कारण, अब एज है तो देखो प्रीपोजिशन ये के रूप में हो जाएगा। An account of his two consecutive term in office, तो के कारण, किसके कारण, हिज है, अब देखो ऑफ के बाद हिज है, अब 100% क्या आएगा, नाउन, कहाँ पे है नाउन, चूंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन है तो ये नाउन, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव और ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। अब एक नाउन के लिए बहुत सारा एडजेक्टिव आ गया कि नहीं,
तो ये जरूरी नहीं कि नाउन के लिए पहले क्या हो, एडजेक्टिव हो, एक ही हो, बहुत सारा एडजेक्टिव। जब एडजेक्टिव हो जाएगा तो आपको एडवर्ब लगाना है। हीज टू कंजुगेटिव टर्न, ऑफिस में कहता है दो लगातार, कंजुगेटिव मतलब दो लगातार टर्न, मतलब 14 में भी और 19 में भी, ठीक है, के कारण। डिलीवरिंग, अब ये बताओ डिलीवरिंग क्या आपका ये वर्ब है, तो सर इससे पहले ई जा रहा है, मोज बियर है ही नहीं, या बी वर्ब है ही नहीं, तो ये वर्ब नहीं हो सकता। चलो इसको मान ले ये जेरंड, क्या मान ले जेरंड, तो ये काम क्या करेगा सब्जेक्ट का, यहाँ पे क्या है फुल स्टॉप, तो देखो यहाँ इसके बाद कहीं पे वर्ब है तो बोलेंगे नहीं है, इसका मतलब नहीं होगा। ऑब्जेक्ट एक बार कर देते हैं, फिर से दोबारा खुद से कर लीजिएगा। ऑब्जेक्ट देख के चलिए क्या ट्रांजिटिव वर्ब है, तो बोलेंगे नहीं। फिर चलो पोसेसी, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट तो प्रीपोजिशन है उससे पहले, तो नहीं। पोसेसिव एडजेक्टिव, क्या पोसेसिव एडजेक्टिव है इससे पहले, तो बोलेंगे नहीं। जैसे माई, दियर, आवर, ठीक है। नाउन का पोसेसन है, नाउन का पोसेसन भी नहीं है, इसका मतलब न जेरंड है न वर्ब है, तो होगा क्या, तो हो जाएगा एडजेक्टिव। डिलीवरिंग, और डिलीवरिंग व्हाट, अब उसमें देखो है तो एडजेक्टिव लेकिन वर्ब का प्रॉपर्टी है, तो क्या ले लेगा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट होता कौन, तो नाउन या प्रोनाउन। डिलीवर कर रहे हैं, क्या डिलीवर कर रहे हैं, हीज, पोसेसिव एडजेक्टिव आ गया, तो 100% क्या आएगा नाउन, कहाँ पे नाउन है, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन है, तो ये नाउन, ये हो गया आपका एडजेक्टिव, ये हो गया एडजेक्टिव। डिलीवरी हिंग 10th कस्टमरी एड्रेस, कस्टमरी मतलब क्या होता है कि ये कस्टम है, रीति रिवाज है, आपको एड्रेस संबोधित करना है, ठीक है, वो देना ही है। कैवा था 10वां, ठीक है। टू द नेशन, किसको, नेशन को। अब बताओ टू के बाद क्या है, सर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं है, प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या है नाउन। ऑन इंडिपेंडेंस डे, क्या किस पे, इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता दिवस पर। हीज, अब पोसेसिव एडजेक्टिव आया, तो बोलेंगे हाँ, तो नाउन कहाँ पे है, क्योंकि यहाँ प्रीपोजिशन ही है। हीज लास्ट एड्रेस, कैसा है लास्ट एड्रेस, अंतिम एड्रेस संबोधन है। ऑन अगस्त 15, कब, अगस्त, जब डेट दिया हो तो आपको ऑन लगाना है, और जब डेट ना हो तो सीधे लिख देना इन अगस्त, कब, इन अगस्त, तो बात समझ गए। तो ये भी आप क्या है नोट करते चलेंगे। बिफोर, अब देखो बिफोर, अब बिफोर देखिए प्रीपोजिशन की कंजंक्शन, तो बोलेंगे अगर कंजंक्शन होता तो क्या ले लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब तो लिया नहीं, तो क्या हो जाएगा प्रीपोजिशन। बिफोर जनरल इलेक्शन, जनरल इलेक्शन से पहले, अब बिफोर हो, ये प्रीपोजिशन होगा बिफोर, तो या तो बिफोर लेगा प्रोनाउन लेगा या नाउन लेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट ईयर, कब, तो नेक्स्ट ईयर, तो क्या हो जाएगा एडवर्ब। टर्न आउट टू बी, बताए थे ना इसका मतलब क्या होता है, बिकम, क्या होता है बिकम, चूंकि पास्ट में है तो क्या हो जाएगा बिकेम, पास्ट में है तो टर्न आउट टू बी मतलब बिकेम। तो अब ये बताइए यहाँ पे सब्जेक्ट कौन, क्या ये 15 अगस्त होगा, नहीं, जनरल इलेक्शन होगा तो बोलेंगे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट ईयर होगा तो बोलेंगे एडवर्ब, तो यही ना बन जाएगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है। बिकेम ए कंपेन स्पीच, कैसा स्पीच रहा था, तो बोलेंगे कंपेन स्पीच था, मतलब कंपेन करने के लिए, आंदोलन करने के, मतलब चुनाव प्रचार के लिए जो कंपेन, उसका उस तरह का ही इन इफेक्ट, प्रभाव में। एज, अब एज देखो प्रीपोजिशन की कंजंक्शन, तो बोलेंगे सर कंजंक्शन, क्यों, क्योंकि इधर सब्जेक्ट वर्ब है, तो सब्जेक्ट वर्ब ढूंढिए। ही एक्सप्रेस्ड, अब ये क्या हो गया वी टू, उन्होंने व्यक्त किया था, तो क्या व्यक्त किया था, कॉन्फिडेंस व्यक्त किया था, ठीक है, मतलब कॉन्फिडेंस, क्या हो, कॉन्फिडेंस व्यक्त किया था। ऑफ, ऑफ के बाद देखो क्या है, तो सर वी फोर आया, बीनिंग, तो ऑफ बीनिंग जीतने का, ऑफ गोइंग जाने का, ठीक है, ऑफ ईटिंग खाने का, तो क्या जीतने का, ए थर्ड टर्म, आर्टिकल आया तो नाउन ढूंढिए, और नाउन से पहले क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। तो इस तरह से सारा स्ट्रक्चर वाइज करते चलो, ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्या हो, क्लियर। कैटेलॉगिंग, कैटेलॉगिंग मतलब सूची बनाना, अब क्या चीज़ का सूची बनाना, अचीवमेंट एंड इनिशिएटिव, किसका है, अचीवमेंट जो आपने अचीव किया है, और इनिशिएटिव जो पहल है, तो ये किससे जुड़े हुए हैं, एंड से, अब दोनों नाउन हैं, इसका मतलब ये अगर पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एंड किसको जोड़ेगा, तो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होना चाहिए, साथ में साथ ये समान वर्ड होना चाहिए, दो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। ऑफ द कंट्री, ऑफ के बाद देखो क्या, और कंट्री का
सिंस 2014। कब से? तो 2014 से ये काम चलते आ रहा है। नहीं आता तो इन 2014 लिख लेते, कहानी वहीं पे ख़त्म हो जाती। सिंस 2014, 14 में चला, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में भी वो काम क्या है, चल रहा है। तो ये 2014 से ही अपना अचीवमेंट क्या है बता रहे हैं, ठीक है। ये याद रखना सिंस क्यों लगा है यहाँ पे, ठीक है। फॉर नहीं लगा क्योंकि ईयर दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम है। फॉर किसके लिए लगता है? तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। द ईयर, उस साल ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर, वो क्या बने थे? तो प्राइम मिनिस्टर बने थे। मिस्टर मोदी सजेस्टेड, अब कैटलॉगिंग करने वाले कौन है? तो मिस्टर यही ना हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, याद है ना प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। सजेस्ट किए थे डैट की कंजंक्शन, तो फिर क्या ले लेगा? सब्जेक्ट वर्ब ढूंढिए, इट वाज, ये था, अब वाज आया, बी वर्ब आया, तो क्या आएगा? या तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, V3, V4। यहाँ पे क्या है? तो बोलेंगे सर नाउन है, क्योंकि आर्टिकल लगा। न्यू बिगनिंग, नया शुरुआत है। फॉर द कंट्री, किसके लिए? कंट्री के लिए। हुच वाज, ठीक है, हुच, अब ये यहाँ पे किसके लिए? कंट्री के। हुच वाज, अब देखो क्या आता है, तो यहाँ पे देखें अनस्टेबल क्या है, तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव, क्यों? ABLE लगा हुआ है। अब वाज है तो नाउन, ये तो पांच का नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, V4 और क्या है, V3, तो यहाँ पे हो गया एडजेक्टिव, तो ये भी क्या हो जाएगा? बोलेंगे सर एंड से जुड़े हैं तो एडजेक्टिव। अब देखो निगेटिव वर्ड की पॉजिटिव वर्ड, तो अनस्टेबल मतलब स्थिर नहीं है, निगेटिव है, तो ये भी क्या हो जाएगा? निगेटिव। अब ये दोनों क्या है? चंगू मंगू, तो बोलेंगे सर एडवर्ब है, क्योंकि मेन ये एडजेक्टिव से पहले क्या आता है? एडवर्ब। एडवर्ब के भी बात क्या आता है? एडवर्ब। बात समझ में आया, ठीक है। हुच वाज अनस्टेबल, अस्थिर था और एमलेस था। इवन दो, अब इवन दो, अब चलो ऊपर बात क्या किया है, ठीक है, ऊपर बात किया है यार, ये क्या है निगेटिव का, यद्यपि, अब फिर कंजंक्शन लगा दिया, तो फिर सब्जेक्ट ढूंढिए, इंडिपेंडेंस, अब सब्जेक्ट हो जाएगा इंडिपेंडेंस, फ्रॉम ब्रिटिश इंपेरियलिज्म, यही हो जाएगा ना। फ्रॉम के बाद देखो तो बोलेंगे सर नाउन है, तो ये नाउन हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। वाज, अब वाज किसके लिए, तो बोलेंगे सर यही सब्जेक्ट के लिए वर्ब। वाज ओन, ओन वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो बोलेंगे सर V3, ठीक है, 2-1 तो आ ही नहीं सकता। वह जीता गया था, कब जीता गया था? 1947 में जीता गया था। यहाँ सिंस नहीं लिखा गया, नहीं तो होता कि सिंस वो जीतता आ रहा है, वो जीतता रहा, अब तक जीत ही रहा, ऐसा नहीं, लिख दिया 1947 में, ठीक है। लेकिन अगर वो ऑन लगाता, ठीक है, जैसे लगाता ऑन 15th अगस्त, ठीक है, यहाँ पे क्या लगाना पड़ता, डेट दे देते तो ऑन लगाता, नहीं डेट दिया तो इन लगाया। एग्जाम में भी यही इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मिस्टर मोदी साइटेड V2, बतलाया, क्या बतलाया? डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, किससे जुड़े हुए हैं? तो बोलेंगे सर एंड से। दिखने में क्या है? तो बोलेंगे सर पॉजिटिव वर्ड, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। एज, अब देखो एज, एज देखो क्या सब्जेक्ट वर्ब लिए हुए हैं यहाँ तक? तो बोलेंगे नहीं सर, इसका मतलब प्रीपोजिशन है, के रूप में। द थ्री कोर स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री, कंट्री के तीन जो मुख्य स्ट्रेंथ है, मुख्य शक्ति के रूप में। अब एज है, द आर्टिकल है, तो नाउन खोजो, ये नाउन, ये दोनों क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, ठीक है। ऑफ है तो देखो क्या आया है, ठीक। चलिए बिफोर, अब देखो बिफोर कंजंक्शन की प्रीपोजिशन, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, V4 आया तो क्या हो जाएगा, तो ये प्रीपोजिशन, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद क्या है, V4 आता ही है। लॉडिंग, बिफोर लॉड मतलब प्रशंसा करने से पहले, अब ये ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, तो बोलेंगे सर ये ऑब्जेक्ट ले लेगा, होता कौन, नाउन प्रोनाउन, यहाँ पे क्या है, यंग एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स एंड स्पोर्ट्स पीपल, और स्पोर्ट्स पीपल। हु, अब हु किसके लिए, तो यही तीनों के लिए ना है। हु ओवरकम, अब पॉजिटिव, ये क्या है देखो, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट क्या है, तो बोलेंगे सर प्लुरल है, तो वर्ब क्या लेगा, प्लुरल। हु ओवरकम द ओड्स, जिसने विषमता पर क्या है, ये विजय प्राप्त, ओवरकम मतलब उसको पछाड़ के आगे निकलना, जैसे विषम परिस्थिति इनके सामने आया था, फिर भी उन्होंने क्या किया, हिम्मत नहीं आ रहा, और उनका सामना किए और आगे बढ़े, विजय प्राप्त किए, वही होता है ओवरकम द ऑड्स। अब ये तीनों का जो पोजीशन है वो किसका है, तो बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट, तो लॉर्डिंग का,
तो लोडिंग का जो ऑब्जेक्ट है इसका मतलब इसको वर्ब चाहिए, तो बोलेंगे ऑब्जेक्ट को वर्ब नहीं चाहिए। बात क्लियर? तो बोलेंगे ठीक है। चलो ही साइटेड, अब उन्होंने बताया, हवाला दिया, थ्री चैलेंजेस, कितने चैलेंजेस है, तीन। अब चैलेंज की बात हो रही तो चुनौती की बात होगी, देखते हैं। डैट, अब डैट होल्ड बैक, अब डैट के बाद देखो वर्ब है तो क्या हो जाएगा, बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन, कंजंक्शन तो नहीं थे। डैट होल्ड बैक किसके लिए, चैलेंज। होल्ड बैक जो कि क्या करता है, अपोज करता है किसका, अब ये ट्रांजिटिव नेचर का तो क्या ले लेगा, प्रोग्रेस का, उन्नति का, क्या है, रोक के रखे हुए है, रोकता है किसको, प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, किसके, इंडिया के। क्या है वो, करप्शन, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, जो करप्शन है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स मतलब राजा का बेटा क्या बना, राजा, वही नेता का बेटा, नेता, ठीक है। एंड एप्लीसमेंट पॉलिटिक्स, खुश करने वाला, कुछ पैसे दे दो, कुछ दे दो, वोट ले लो, ऐसे वाला पॉलिटिक्स, तो किससे जुड़ा हुआ है, तो एंड से, तो तीनों निगेटिव हो गए। सिंस 2014, मतलब क्या, 2014 से, मतलब ये काम है 2014 से चलते आ रहा है। मिस्टर मोदी टोल्ड फेलो सिटीजन, जो उनको क्या करते हैं, फेलो करते हैं, उन्होंने कहा, हुम ही एड्रेस, जिसे उन्होंने संबोधित किया, एज फैमिली मेंबर, किसके रूप में, फैमिली मेंबर के रूप में, थ्रू आउट द स्पीच, पूरे स्पीच में उन्होंने उनको फैमिली मेंबर बताया, ठीक है। ही हैज बीन टकलिंग, ठीक है, ही हैज बीन टकलिंग मतलब होता है कि स्ट्रगल करना, ठीक है, उसको सॉल्व करना, हल करना, तो ये जब भी हल करेगा तो कोई प्रॉब्लम ही आएगा। ही हैज बीन, हैज के बाद बी थ्री, बी तो बी फोर, टकलिंग, अब ये काम क्या है, लंबे समय से हो रहा है, ठीक है। दीज चैलेंजेज, इस चैलेंजेज का क्या कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब दीज आया तो नाउन क्या रहेगा, प्लुरल, अब दीज का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए ना, कौन सा डिस्क्रिप्शन है, करप्शन, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, एप्लीसमेंट पॉलिसी, ए हेड ऑन, आगे, एंड मेकिंग मेनी इनमीज, और क्या कर रहे हैं, बहुत सारे दुश्मन बना रहे हैं, तो एंड किसको जोड़ रहा है, तो बोलेंगे सर यहाँ पे टकलिंग है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेकिंग है, दोनों समान चीज़ों को जोड़ेगा। बट, अब बट आ गया, अब बट कर रहा है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्या है, चैलेंज को फेस करना, ये सब करना, ठीक, इसके विपरीत चीज होगा, ठीक है। रिमेन्स, और रिमेन जानते हैं ना, रिमेन के बाद क्या आता है, तो एडवर्ब आता नहीं, क्या आता है, एडजेक्टिव, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, अनडिटरेंट मतलब एकदम अस्थिर रहे, ठीक है, दीर्घ रहे, ठीक है, रहना, ठीक, एडजेक्टिव, रिमेन। अब कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसे लुक, गेट, बिकम, फील, साउंड, ठीक है, फील, साउंड, ये सारे क्या है, इनके बाद हमेशा क्या आता है, तो बोलेंगे सर ये इनके बाद एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब नहीं। एक और ये देखो, इतना प्रॉब्लम जूझ रहे हैं, दुश्मन बना रहे हैं, लेकिन देखो लगा दें, लेकिन क्या है, डटे हुए हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, इंडिया वाज ओवरकमिंग मतलब इंडिया जो है वह पछाड़ रहा है, उस पर विजय प्राप्त करता है, द इल्स ऑफ इतना ईयर ऑफ स्लेवरी, गुलामी के हंड्रेड जो थाउजेंड ईयर्स ऑफ जो भी बुरे चीज है गुलामी के, उसको क्या कर रहा है, पछाड़ के क्या है, आगे प्रोस्पर कर रहा है, आगे निकल रहा है, ऑफ द पास्ट, पास्ट के, एंड इज नाउ लेइंग फाउंडेशन, आधारशिला देना, रखना, फॉर इतना ईयर गोल्डन एरा, और 1000 ईयर का गोल्डन एरा का, ठीक है, अब आधारशिला रख रहे हैं, रख रहा है, अब नाउ है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, ठीक है। इन एन इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, अब इन आया तो भी पोर नाउन नहीं तो नाउन, एन है तो नाउन कहाँ पे, तो बोलेंगे सर ये नाउन, ये सारे क्या हो जाएंगे, एडजेक्ट, इमर्जिंग, उभर रहा, उभरता हुआ, इंडिया वुड बी प्लेइंग मतलब वो निभाएगा, ठीक है, इंडिया वुड के बाद भाव का फर्स्ट फॉर्म, बिफोर एक्टिव की पैसिव, तो बोलेंगे पैसिव, निभाएगा सेंट्रल रोल, कैसा रोल निभाएगा, सेंट्रल रोल, मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा था, ठीक है। अब चलो प्राइम मिनिस्टर स्पीच, मेन वर्ड कौन हो जाएगा, तो बोलेंगे सर स्पीच, वाज इंस्पायरिंग, इंस्पायरिंग था भाई, इंस्पायर करने वाला था हमको,
ये प्रेरित करने वाला था, एंड अब एंड से जोड़ा तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी वाला था, एट वन लेवल एक लेवल, बट फिर बट कंजंक्शन है, पॉजिटिव बात किया तो इधर निगेटिव कर देगा। इट वॉज ऑल्सो मोर सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी, सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी मतलब ये इस तरह का था कि जैसे खुद को शाबाशी बाबा ही देना, एंड एक्सक्लूसिव, अब मतलब ये निगेटिव है तो ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। एक्सक्लूसिव मतलब है एक, मतलब पूर्णतः होना, एकमात्र होना, ठीक है। देन सेल्फ रिफ्लेक्टिव एंड यूनिफाइंग, अब पता है यूनिफाइंग जोड़ना, पॉजिटिव वर्ड है तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वर्ड। देखते चलो किस तरह से स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ठीक है। हमको एक को पढ़ के हजार को कंसेप्ट किया है क्लियर कर लेना है, यही ना कि हजार पढ़ के एक का कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। ये कि बार बार इसी चीज़ को क्या है, रोज रोज लाएँ अपना प्रवचन सुन लिया, ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको करना है खुद से सारा कुछ ये मैनेज करना है, पढ़ते पढ़ते अपने आदत डालिए, ठीक है। यूनिफाइंग सेल्फ रिफ्लेक्टिव दिखाने वाला, थ्रू दो मोदी सेड, मोदी ने कहा इंडिया यूनिटी, अब मेन वर्ड कौन, यूनिटी अक्रॉस द रीजन कम्युनिटी एंड जेंडर वाच, अब वाच किसके लिए, तो बोलेंगे यही ना यूनिटी, तो यहाँ पे क्या होगा कंजंक्शन, तभी तो दो सब्जेक्ट वर्ब को जोड़ पाएगा ना, ठीक है। क्लॉज यूनिटी वाज द आउटमोस्ट प्रायोरिटी, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर हिम, उनके लिए। अब देखो प्रोनाउन आया तो कौन से केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। द यूनिटी पिच, अब यही सब्जेक्ट हो जाएगा। डिड नॉट रेजोनेट वेल, कुछ अच्छा काम नहीं किया, मतलब जैसे क्लास में ऐसा भाषण दिए और सब एकदम ताली बजाने लगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं, मतलब सब सपोर्ट नहीं किए, एग्री नहीं हुए, वही बात यहाँ पे कह रहा है। वेल क्या हो जाएगा, एडवर्ब, डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी, अब जो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी कौन है, तो बोलेंगे कांग्रेस, सेड कहा था मिस्टर मोदी स्पीच, अब यहाँ पे फिर कंजंक्शन होगा, इधर भी सब्जेक्ट वर्ब जोड़ रहा है, वाज फुल ऑफ, अब क्या था अपोजिशन है तो अपोजे करेगा, डिस्टॉर्शन विकृतियाँ हैं, झूठ हैं, एक्सग्रेशन मतलब बढ़ा चढ़ा के बात कहा गया, एंड वर्क प्रोमिसेज, अब बताओ यहाँ पे किससे जुड़ा है, तो एंड से, सारा बात क्या है निगेटिव, मतलब सारा वर्ड क्या होगा निगेटिव, वर्क मतलब क्या होता है अस्पष्ट, लिख लीजिएगा ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक्सग्रेशन बढ़ा चढ़ा के, डिस्टॉर्शन विकृति, मतलब जो भी वर्ड होगा क्या है निगेटिव है, किससे जोड़ दिया एंड से। द प्राइम मिनिस्टर डिप्लॉय ही स्किल्स फुल नरेटरी, डिप्लॉय मतलब क्या होता है तैनात, उन्होंने यूज किया, क्या यूज किया, अपना स्किलफुल नरेटरी मतलब जो भाषण कला में वो जो महारत हासिल किए हुए हैं वो यूज किए, टू कन्फ्लेक्ट हीज ओन पर्सोना विद द कंट्री, मिलाने के लिए, तो क्या मिलाने के लिए, अपना व्यक्तित्व कंट्री के साथ, ठीक है। द कंटिन्यूटी, यही सब्जेक्ट होगा, इन इंडिया प्रोग्रेस, मेन वर्ड कौन, तो बोलेंगे सर प्रोग्रेस किसका है, इंडिया का, सिंस 1900, अब देखो सिंस क्यों लगाया, 47, 48, 49, 50 सब में काम चल रहा है, वहाँ से अब तक का बात कर रहा है तो सिंस लगा दिया, ठीक है ये याद रखना। और दूसरा कारण कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है, क्या है पॉइंट ऑफ टाइम है, फॉर रहता है तो ड्यूरेशन 2 महीना 4 महीना 5 महीना वो होता है, इज अब कंटिन्यूटी इज एज सेल्फ इम्पिडेंट, एज मतलब उसी की तरह, मतलब क्या है सेल्फ इम्पिडेंट दिख रहा है, डंटिंग चैलेंजेज ऑफ इट्स प्रजेंट, जो इस प्रजेंट का है डराने वाला क्या चैलेंज की तरह ही दिख रहा है। डिनाइंग एंड ओवर लुकिंग आइदर इज नॉट ए ग्रेट स्ट्रैटी फॉर, कोई चीज़ को डिनाई कर दो, ठीक है नज़रअंदाज कर दो, ये अच्छी प्रोग्रेस के लिए स्ट्रैटी नहीं, रणनीति नहीं है। मिस्टर मोदी नोटेड डैट पीस एंड नॉर्मलसी वे आर रिटर्निंग, मतलब नोट किया कि पीस और ये देखो पास्ट में है ना, तो इसको भी किस में रख दिया, पास्ट में, ठीक है। रिटर्निंग टू ए स्टीफ टर्न मणिपुर, जो मणिपुर में जो इतना ज़्यादा वायलेंस हो रहा है उसमें रिटर्न पीस उस सब क्या है शामिल, अब एंड से जोड़ रहा है तो समझ लीजिए क्या है, ठीक है। बट नो स्टेट अकाउंटेबिलिटी फॉर द वायलेंस, कोई भी स्टेट का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है वायलेंस के लिए, एंड चेओस, अब बताओ फिर एंड से जोड़ दिया तो खाली एंड ही मिल रहा है, यहाँ निगेटिव ये भी निगेटिव दोनों लिख लीजिए। वाज मेंशन भी थ्री हो जाएगा,
उल्लेख किया गया था। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। चलिए लास्ट ही है। मोदी क्लेम मेन वर्ड देखो, नाउन का पोसेशन किस पे, नाउन पे, तो यही हो जाएगा ऑफ अनकम्प्रोमाइजिंग क्रूश। ठीक है, अनकम्प्रोमाइज मतलब कम्प्रोमाइज नहीं करने वाला, क्रूश्ड मतलब क्या, युद्ध अगेंस्ट करप्शन। आर, अब आर किसके लिए, तो यही ना आपका सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो आर वीकेंड कमजोर किया जाता है, यही बाय सेलेक्टिव अप्रोच। सेलेक्टिव अप्रोच मतलब एकदम सेलेक्टेड है। ठीक है, यही काम होना है, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको रिजेक्ट। ऑफ द सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन टीम, किसका, सीबीआई का सेलेक्टिव अप्रोच है। डैट जो कि टारगेट करती है, किसको टारगेट करती है, अपोजिशन पॉलिटिशियन को टारगेट करती है। ठीक है, जो कि टारगेट क्या करती है, तो इसी वर्ष से ये अनकम्प्रोमाइज कैसे हो गया भाई, जब आप केवल ये अपोजिशन को करेंगे, चलो कुछ किसी को तो टारगेट करती है, दूसरा तो कोई नहीं करता। अनटिल द पॉइंट दैट दे अलाइन विथ द भारतीय जनता पार्टी, उस पॉइंट तक जब तक कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं, साथ है नहीं जाएगा, सीबीआई है नहीं है तो हो जाएगा। ओवरऑल द मोदी रीइंफोर्स किया, ठीक है, उसको बनाया क्या, फेथ ऑफ हिज फेथफुल एंड एक्सपेक्टिज ऑफ हिज एक्सपेक्ट, मतलब जो फेथ उसके साथ है, ठीक नहीं है, जिसमें शक है उसके साथ तो वही हो रहा है जिस जो वो देख रहे हैं। ठीक है, तो इतना कुछ हो गया। ठीक है, चलो देखो एंड किसको जोड़ रहा है, पॉजिटिव या निगेटिव को देखिए। ठीक है, वाज का सब्जेक्ट कहाँ पे है वो देखिए, एंड यहाँ पे किसको जोड़ रहा है तो देखो। ठीक है, सिंस क्यों लगाया, फॉर क्यों नहीं लगाया, ये देखिए, सिंस 1947 का मतलब क्या है वो देखो। ठीक है, अब यहाँ पे डैट लगाया तो क्या है, कंजंक्शन की, अब डैट है जिसके पास्ट में है तो क्या, पास्ट में जाएगा कि प्रेजेंट में जाएगा वो देखिए। अब एंड से यहाँ पे किसको जोड़ रहा है वो देखिए, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सब करते जाओ। हाँ, व्हाट क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, जो कि एंटीसीडेंट नहीं लेता, याद रखिएगा। ठीक है, टू नेशन, हाँ, ऑन अगस्त 15, अगर ऑन क्यों लगाया, इन क्यों नहीं लगाया। ठीक है, एज क्या काम कर रहा है, ठीक है, एंड किसको जोड़ रहा है। ठीक है, ये वाज के बाद क्या आया है देखिए, ओवरकम का याद रखना। ठीक है, होल्ड बैक मतलब, ठीक है, ये सब याद रखेंगे। अब जैसा कि हम करने वाले हैं क्या, वर्ड, चलो वर्ड को देख लेते हैं। चलिए वर्ड को क्या है देखते हैं। अब रेटिसेंट क्या है वर्ड, तो रेटिसेंट मतलब इंट्रोवर्ट, चुपचाप रहने वाला। ठीक है, ज़्यादा बोलने वाला नहीं। ठीक है, टेसी टर्न रेटिसेंट इंट्रोवर्ट टेसी टर्न, ये हो गया आपका सारा साइनो, क्या हो गया, साइनो। ठीक है, उसके बाद है एक्स्ट्रोवर्ट। ठीक है, उसके बाद टॉकेटिव, क्या होता है एक्स्ट्रोवर्ट मतलब टॉकेटिव, बातचाल, जो ज़्यादा बोलता है। इधर है चुपचाप रहने वाला, शांत रहने वाला, इधर हो गया ज़्यादा बोले। कैप्राइसियस, ये उसका साइनो है। व्हिमसिकल मतलब कोई चीज़ तुरंत चेंज हो जाता है। ठीक है, वो फिकल मतलब क्या, कंसिस्टेंट मतलब एकदम कॉन्स्टेंट वे में क्या है, चलना, स्टेबल, अनस्टेबल होगा तो कैप्राइसियस, यही हो जाएगा ना। चलो, बेनिवोलेंट तो काइंड, अल्ट्रस्टिस्ट याद रखना ये भी, अल्ट्रस्टिस्ट काइंड, आ इसका एंटो क्या हो जाएगा, मेलीवोलेंट अनकाइंड मतलब दयालु, यहाँ पे है दयालु। एबेंडेंट तो क्या हो गया, प्रचुर, तो क्या हो जाएगा, एम्बल प्लेंटी फुल, क्या हो जाएगा, प्लेंटी फुल और एम्बल ज़्यादा। एबेंडेंट मतलब क्या हो गया, ज़्यादा, प्लेंटी फुल ज़्यादा, उसके बाद है एम्बल ज़्यादा, तो कम का क्या हो जाएगा, स्कार्सिटी, डर्थ, और एक बताए थे ना, स्कार्सिटी था, डर्थ था, और एक कम का कुछ और था। ठीक है, एबेंडेंट ज़्यादा, प्लेंटी फुल एम्बल, बेनिवोलेंट तो
तो काइंड अल्ट्रस्टिक, ठीक है, मेनली वोलेंट अनकाइंड, कंसिस्टेंस स्टेबल, कैप्राइसियस मतलब विम्सिकल, मतलब कोई चीज क्या है तुरंत लगातार क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, ठीक है, लगातार क्या हो रहा चेंज है। एक्सट्रोवर्ट टॉकेटिव, रेटिसेंट चुपचाप रहने वाला, टेसिटन चुपचाप, इंट्रोवर्ट चुपचाप। तो इतना वर्ड ही आपको क्या है याद करना है, फिर टेलीग्राम पर भी वर्ड भेज देते हैं, 5 वर्ड 5 ग्रामर वो भी करना है, ये भी करना है, ताकि वर्ड की दुनिया में रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लेंगे। और अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा से फोकस करो कि रोज नहीं, खुद से पहले करें अच्छे से, अब इतना कर लिए हैं खुद से पहले प्रैक्टिस कर लेंगे, समझ लेंगे प्रीपोजिशन के बाद क्या, कंजंक्शन के बाद क्या, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आया, डैट कंजंक्शन है या रिलेटिव प्रोनाउन, ये सब चीज़ पे फोकस कीजिए। ये नहीं कि हाँ हिंदी बता दिए और उसके बाद हो गया हमको समझ में आया, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। सब्जेक्ट ढूंढो, कहाँ पे उसका वर्ब दिया हुआ है, ये सब खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, तभी, जब तक खुद से नहीं कीजिएगा कभी नहीं हो पाएगा, याद रखना, ठीक है। तो फिर से रेटिसेंट, इंट्रोवर्ट, टेसिटन, एक्स्ट्रोवर्ट, टॉकेटिव, कैप्राइसियस, विम्सिकल, फिकल, बेनिवोलेंट, काइंड, अल्ट्रस्टिस, एबेंडेंट, प्लेंटीफुल, एम्बल, ये कैप्राइसियस कैंटो, कंसिस्टेंस, स्टेबल, बेनिवोलेंट का मेलीवोलेंट, अनकाइंड, एबेंडेंट का स्कार्सिटी, दर्थ, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास।